द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स व्हिच इज मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन यस इसके पहले हमने लेक्चर वन एंड लेक्चर टू कर लिया था जिसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है एंड आई होप यू है

पूरा सिलेबस कवर करेंगे सो इन दिस वे क्लास नाइन्थ का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तुम्हें अब कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है दिस इज ऑल इन ऑल सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन सारे नोट सारे टाइप्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सब हम करेंगे बहुत ही मजा आने वाला है हर टाइप के क्वेश्चंस, हर तरीके का क्वेश्चन uh, करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का दिस वॉज लेक्चर नंबर थ्री एंड दिस वॉज द होमवर्क यू पीपल टू सेंड मी द होमवर्क अट ऑफ चिल्ड्रेन सेंट मी द होमवर्क बट आई टोल्ड यू पर्सन हु वु मी द होम वर्क अर्लिएस्ट आई वुक द नेम ऑफ दैट पर्सन सो श्रीजिता बैनर्जी स्टार्टिंग इन सेंट एंथनी स्कूल झारखंड शी हेज सेंट मी द होमवर्क

अच्छा टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट्स ऑफ मास मास का जो ऐसा यूनिट होता है ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है राइट याद है सबको पता है ना वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वन के ये जो किलोग्राम है तो इसका डेफिनेशन क्या है वन किलोग्राम का तो इट वॉज डिफाइंड इन एटीन हंड्रेड एंड एटी नाइन वन किलोग्राम

किस मटेरियल का बना हुआ है वो सिलेंड्रिकल पीस प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय है यू हैव टू नो द नेम ऑफ दिस मटेरियल द दिलेंड्रिकल पीस इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल द नेम ऑफ द मटेरियल इज प्लेटिनम इरिडियम अलॉय नाम नहीं भूलना है कहा रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरेस्ट नियर पेरिस एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है एंड उसका जो मास है द मास ऑफ दैट मटेरियल इज वन किलोग्राम उसको हम डिफाइन करते हैं उस इस बॉडी का जो मास है उसे हम डिफाइन करते हैं एज वन किलोग्राम सो वन किलोग्राम का अगर डेफिनेशन आए तुम्हें यह लिखना है वीडियो पॉज करके डेफिनेटली अपना नोट्स बनाना ये सारी चीजों को अपने नोटबुक में लिखना ओके जस्ट डोंट वॉच इट टेक डाउन द नोट्स एज वेल अच्छा वन के या वन किलोग्राम का एक और डेफिनेशन है वॉट इज इट द मास ऑफ वन लीटर यानी वन थाउजेंड एम एल ऑफ वॉटर

उज पार्ट ऑफ अ ग्राम बोलो दोनों सेम ही चीज है अलग अलग तरीके से बस लिख रहे हम ठीक है सिंपल नो डाउट एंड दिस वॉज नथिंग न्यू यू हैल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम मतलब किलोग्राम से अब ज्यादा बड़े यूनिट्स बिगर कॉमन यूनिट ऑफ मास आर विच आर यूज इन डे टू डे लाइफ डेली लाइफ क्विंटल एंड मेट्रिक टन ओके बड़े बड़े heavy, बड़े यूनिट्स ऑफ मास को मेजर करने के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं बड़ी चीजों को तो क्विंटल क्या होता है यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन 100 टाइम्स अ किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल इज 100 किलोग्राम 100 केजी सिंपल 1 क्विंटल इज 100 केजी यू हैव टू लर्न द वैल्यूज अदरवाइज यू विल फेस ट्रबल इन एग्जाम

जैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर होता है उनके उनके मास को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं एटोमिक मास यूनिट एमयू से डिनोट होता है देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं पहली बार सुन रहे हो क्लास नाइन्थ में केमिस्ट्री में भी है ये ए एम यू चैप्टर वन में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या कहता है कि जो मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स एज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या फिर एटम भी हो सकता है उनके मास को हम एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू या सिंपली यू Mass unit, U या फिर AMU. And इसका जो डेफिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, so या फिर भी बोल सकते हैं मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटम ना वट इज द मीनिंग ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटम कार्बन ट्वेल्व एटम क्या होता है सी कार्बन एटम दो तरीके के होते हैं अंडरस्टैंड आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स वन इज कार्बन ट्वेल्वर ट्वेल्व कार्बन कार्बन ट्वेल्व वैसे कार्बन एटम है जिसका मास नंबर ट्वेल्व होता है कार्बन ट्वेल्व इज एन एटम ऑफ कार्बन हुज मास नंबर इज ट्वेल्व मास नंबर मीनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एटम हर एक एटम में जानते हो ना हर एक एटम का सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं एंड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस समझ रहे हो और ये बाहर जो घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस तो में क्या होता है प्रोटॉन्स होता है न्यूट्रॉन्स होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी पी प्लस एन कितने, है, कितने है, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिलता है मास नंबर मास मास नंबर नंबर तो जिस कार्बन एटम का ट्वेल्व होता है वैसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं कार्बन ट्वेल्व यानी जिस कार्बन एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ट्वेल्व होता है वैसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं कार्बन Similarly, that carbon atom whose mass number is 14 means whose number of protons plus number of neutrons is 14. वैसे carbon atom को हम बोलते हैं carbon 14. Clear है? तो हम लेंगे एक carbon 12 atom. मतलब ऐसा carbon atom जिसका mass number 12 हो. तो उस carbon atom का जो mass है, उस mass का भी 12th part, 1 by 12th of that mass. मतलब वन कार्बन ट्वेल्व एटम का जो मास है उसका भी उसको भी हम ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो जो मास आएगा वन ट्वेल्व द कार्बन एटम तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि वन कार्बन एट वन कार्बन ट्वेल्व एटम का कितना मास होता है एक कार्बन ट्वेल्व एटम का कितना मास होता है और जितना भी मास होगा उसको हम ट्वेल्व से जब डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वन ए एमयू क्या होता है बिकॉज वन ए एमयू इज दैट मास ओनली वन कार्बन एटम का मास डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो अभी हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं कि वन कार्बन ट्वेल्व एटम का मास होता कितना है एक कार्बन ट्वेल्व एटम का मास होता कितना है तो so, हमें केमिस्ट्री से इतना पता है ये इंफॉर्मेशन हमें पता रहता है ओके एक्सपेरिमेंटल डेटा है दैट मास ऑफ दीज मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन ट्वेल्व इस 12 किग्री, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, इस 6.02 इंडस टू द पावर 26 एटॉम्स, आगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि इस नंबर को हम एक इम्पोर्टेंट टर्म से डिनोट करते हैं, ये जो नंबर है 6.02 इंडस टू द पावर 26 इज अ वेरी इम्पोर्टेंट नंबर इन केमिस्ट्री, ओके, दिस फिलहाल अभी तुम्हें उतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री क्लास टेंटर एज ऑफ नाउ दिस इज जस्ट नंबर एंड दीज मेनी नंबर ऑफ एटम्स इतना हम ले लें दिस इज अ वेरी बिग नंबर ओके वेरी बिग नंबर राइट इतने एटम्स अगर हम ले लेते okay? right? ले हैं ले किस एलिमेंट के कार्बन ट्वेल्व कार्बन 12 के इतने सारे अगर हम एटम्स लेते हैं तो उसका मास होता है 12 केजी यानी एक एटम का कितना मास होगा तो 12 डिवाइडेड बाय दैट नंबर उतना केजी तो दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इन 10 टू द पावर 26 इट इज द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम एक कार्बन 12 एटम का मास है और उसको भी हमें डिवाइड करना है 12 से तो 1/12 कर दिया

जी और राइट इसके बाद एक और यूनिट है नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है नेम टू नॉट नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास तो तो एक तो हमने अभी अभी पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू दूसरा है सोलर मास दूसरा क्या है सोलर मास एंड उसका डेफिनेशन क्या है द मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सोलर मास वेयर वन सोलर मास इज द मास ऑफ द सन ओके तो सन का जो मास है मास द यूनिट ऑफ मास वन सोलर मास इज दीज मेनी के जीज ये तुम्हें वैल्यू ये रिलेशन याद रखना है टू इंटू टेन टू द पावर थर्टी के जी टू इंटू टेन टू द पावर थर्टी के जी

डेफिनेशन एंड के जी राइट तो आज हमारा वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं एंड नाउ आई विव यूट ऑफ होमवर्क चिल्ड्रेन सो दिस इज द होमवर्क विच आई एम गिविंग यू फोर्टी डेज लेक्चर सोल्व दिज क्वेश्चन क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू एंड दिस इज क्वेश्चन थ्री एंड मेल मी द होमवर्क इन पी डी एफ फॉर्मैट आफ्टर सोलविंग इट एट दिस ई मेल सुनंदो डॉट देवनाथ एट द रेट याहू डॉट कॉम सुनंदो डॉट देवनाथ एट द रेट याहू डॉट कॉम पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए एंड योर होमवर्क शुड है प्लेस वेर योर स्कूल इज प्रेजेंट सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर होमवर्क टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड वेरी सुन विल बी पोस्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर फोर थैंक यू टेक केयर